आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी कि सब्सटेंसेस को अलग अलग कैसे किया जाता है इन अवर डेली लाइफ देर आर मैनी इंस्टेंस वेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीन सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स समझे क्या समझे मिक्सचर से सब्सटेंसेस को अलग करना हम अब रोज देखते हैं कैसे जैसे चाय बनाई चाय को किसे छाना छन्नी से छाना तो चाय को जब छन्नी से छानते हैं तो क्या होता है चाय पत्ती क्या होती है अलग हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं ये क्या हुआ सेपरेशन छन्नी को क्या कहते हैं इंग्लिश में स्टेनर एस टी ए आई एन ई आर स्टेनर तो स्टेनर क्या करता है लिक्विड एंड सॉलिड पार्ट्स को अलग कर देने की टी लीव्स में से लीव्स को अलग कर देता है और हमको टी मिल जाती है इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं आटे को छानते हैं वो भी क्या है स्टेनर है मिल्क और कार्ड इज क्रंच टू सेपरेट द बटर क्रंचिंग 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 कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं घरों में क्या करते हैं फैटते हैं तो फैटना क्या हुआ क्रंचिंग तो उससे क्या होगा बटर अलग हो जाएगा और मट्ठा अलग हो जाएगा बटर गर्म करके हम घी बना लेंगे ठीक है इसी तरह से हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था गिनिंग उसमें क्या था कॉटन में से उसके सीड्स को अलग करना कॉटन में से उसके सीड्स को अलग करना तो उसको वो भी क्या है सेपरेशन है ठीक है हम्म चलो अभी सेपरेट और तरीके से करते हैं आप सेपरेट कई तरीके से कर सकते हैं सपोज आपको एक बास्केट दी गई है और बास्केट में मैंगोज और गुआवा दोनों मिक्स कर दिए गए हैं अब हम सेपरेट कैसे करेंगे ये बड़ा आसान है हम लोग हाथों से उसको सेपरेट करेंगे क्यों क्योंकि इनका साइज क्या है बड़ा है ये देखिए जिस तरह से हम लोग किस तरह से मट्ठा निकाल रहे हैं बटर अलग कर रहे हैं किससे कार्डर मिल्क से जैसे क्या कहते हैं क्रंचिंग से तो कुछ कुछों के लिए हमको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है कुछ सेपरेशन के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है कुछ हम हाथ से ही कर लेते हैं हैंड पिक्ड होते हैं कुछ के लिए हमको कोई स्पेशल चीज़ करनी पड़ेगी जो हम आगे जाके इस चैप्टर में या अगली क्लासेस में पढ़ेंगे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमको पानी से नमक हटाना है पानी और नमक मिक्स हो गया उसमें से क्या निकालना है नमक और पानी को सेपरेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम कुछ नई मेथड को देखेंगे क्योंकि स्टेनर से तो वो हो नहीं सकती है जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस तो इसको क्या कर सकते हैं छीट करके अलग से बीन करके जैसे घरों में करते हैं वो कर सकते हैं क्रंचिंग मिल्क टू ऑप्टेन बटर सेपरेटिंग टी लीव्स तो ये क्या है टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ हार्मफुल कंपोनेंट्स इसके लिए स्टेनर का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम हार्मफुल कंपोनेंट्स को हटा सकें कभी कभी क्या होता है हमको एक से अधिक प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है अलग करने के लिए जो हार्मफुल कंपोनेंट्स है उसको क्या करेंगे हटा देंगे या उसको फेंक देंगे लेकिन जिस समय हम क्रंचिंग ऑफ मिल कर रहे हैं उस समय हमको हार्मफुल कंपोनेंट नहीं मिल रहा है हमको क्या मिल रहा है एक तो बटर मिल रहा है दूसरा हमको क्या मिल रहा है मट्ठा मिल रहा है बटर मिल्क मिल रहा है तो दोनों क्या है? दोनों हैं दोनों यूजफुल कंपोनेंट्स हैं बट जब हम सेपरेट कर रहे हैं किसको स्टोन्स को किससे राइस में से स्टोन सेपरेट कर रहे हैं तो राइस राइस क्या है हमारा यूजफुल कंपोनेंट है और जो सॉलिड पार्ट जो हमारा स्टोन्स है उसको क्या करेंगे हम फेंक देंगे इस तरह से हम यार ये बेसिक हमारा सेपरेशन है तो सेपरेशन करने के हमने देखा कि कई तरह की मेथड्स हो सकती हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मेथड ऑफ सेपरेशन मेथड ऑफ सेपरेशन में सबसे पहली मेथड है हैंड पिक्ड हैंड पिक्ड का मतलब क्या हुआ हाथ से अलग अलग करना जैसे हम क्या करते हैं कई सारे की चीज़ें लेके आते हैं मार्केट से सपोज तो उसको क्या करते हैं अलग अलग सेपरेट करते हैं जैसे सेपरेशन में क्या था उसी तरह से इनको भी क्या कर देंगे सेपरेट करते हैं जैसे हम ग्रेन लाए कोई तो ग्रेन लाने के बाद क्या करते हैं हम ग्रेन्स को एक थाली में रखते हैं और थाली में रख करके उसको हाथ से बीनते हैं तो ये मेथड क्या कहलाती है हैंड पिक्ड मेथड इससे क्या करते हैं हम लोग डस्ट एंड इम्प्योरिटीज़ को हटाने की कोशिश करते हैं कौन सी इम्प्योरिटीज जो उसका साइज़ क्या हो थोड़ा बड़ा हो जैसे पत्थर पड़े हो या हस्क हो उसके अंदर ठीक स्टोन्स हो डर्ट हो तो ऐसे पार्टिकल्स को हटाया जाता है जो आइस से विजिबल हो और जिनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है कुछ महीन डस्क डस्क अगर होगी महीन डस्ट अगर उसके अंदर होगी तो फिर हम उसको हैंड पिक मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते वरना माना उसमें धूल जमी है बहुत ज़्यादा तो वो धूल जमी है तो उसको हम फिर हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट नहीं करेंगे उसको क्या करते हैं फिर लास्टली हमको पता है चावल को या हमारे पल्सेस हैं इनको क्या करते हैं बाद में पिक करने के बाद धो देते हैं तो धोने से क्या होता है जो इसके जो महीन पार्टिकल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं तो हैंड पिकिंग के साथ वॉशिंग भी में इसको वॉश भी करना पड़ेगा तो हैंड पिक से कौन से सब्सटेंसेस को हटाया जाता है जो लार्ज साइज में क्या हो थोड़े बड़े हों जैसे हम लोग फ्रूट्स भी अगर लाते हैं तो फ्रूट्स को भी छाँट देते हैं जो फ्रूट अगर कोई ख़राब आता है तो उसको क्या करेंगे हटा देंगे तो मेथड क्या होगी हैंड हैंड पिक होगी इसमें किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हैंड पिकिंग के लिए नहीं करेंगे उसके बाद आता है थ्रेशिंग bundles of sweets and paddy stacks in the field lying after the harvesting of crops. What is harvesting of crop? Harvesting माने फसल की कटाई करना तो फसल की जब कटाई करते हैं तो क्या होता है हमारे पास होता है stacks जो कि सूखे हुए पौधे हैं उनमें क्या लगे हुए हैं सूखे हुए क्या है उसमें बीज है तो अब बीज को उससे हमको क्या करना है सेपरेट करना है स्टैक से हमको बीज को क्या करना है सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे हम देखते हैं कि पेड़ों पे छोटे छोटे फल लगे होते हैं तो फल लगे होते हैं तो हम क्या करते हैं पेड़ को अगर हम बहुत जोर से लाएंगे तो क्या होगा वो फल टूट करके नीचे गिर जाएंगे फल टूट करके क्या करेंगे नीचे गिर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम या हम पेड़ की पे चढ़ करके एक एक फल को भी तोड़ सकते हैं ये पॉसिबल क्यों हुआ क्योंकि हम फल क्या, क्या साइज़ क्या होता है लार्ज होता है तो लार्ज साइज को फिर हैंड पिक कर सकते हैं लेकिन ये जो ग्रेन से इनके साइज़ क्या है धान गेहूं इनके साइज़ क्या है बहुत छोटे तो इनको हैंड पिक नहीं किया जा सकता इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्लक देम विद योर हैंड्स सो प्लकिंग देम फ्रॉम दियर स्लैक्स स्टैक्स विल बी वुड बी इम्पॉसिबल हाउ डज़ वन सेपरेट ग्रीन सीड्स फ्रॉम देयर स्टैक्स तो स्टैक्स में से इन ग्रीन सीड्स को कैसे हटाते हैं तो यहाँ पर देखा जा रहा है स्लैक्स को हटाने की मेथड क्या है थ्रैशिंग थ्रैशिंग का मतलब क्या होता है ये जो बंडल्स बनाए होते हैं हमने काट करके इनको क्या करते हैं पटकते हैं एक कपड़े के ऊपर या किसी जगह पर या तो इस तरह के प्रोसेस से क्या होते हैं ग्रीन के सीड्स हो जाते हैं उससे अलग कभी कभी ये इस मेथड के लिए हमको बुलट कभी बुलेट का भी यूज करना पड़ता है बुलेक्स का भी यूज करते हैं तो किसी भी तरह से मतलब करने का यह है कि इसको क्या करना है हमको इतनी जोर से पटकना है कि ये अपने जिससे वो जुड़े हुए हैं उससे अलग हो जाए द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेज

उससे क्या होता है ये या किसी एक स्टिक से इसको मारा जाता है तो उससे क्या होगा इसके बीज जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो किसका यूज़ करते, है? यूज करते हैं मशीन्स का यूज़ करते हैं ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए अब अब ग्रेन तो हो गए सेपरेट लेकिन जब ग्रेन सेपरेट हो जाएंगे तो इसके साथ में क्या जाएगी थोड़ी सी ड्राई सैंड जाएगी सोडस्ट पाउडर ऑफ ड्राई लीव्स, ये सब क्या रहेगा इसके साथ मिक्स रहेगा अब ये मिक्सचर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा बीज है जो ग्रेन्स हैं उनका जो साइज है वो डस्ट के या उसके साथ जो मिक्स हुए हैं लीव्स के जो ड्राई लीव्स के पार्टिकल्स उनके साइज से ज्यादा है और उनसे थोड़ा भारी है अगर इस तरह की कंडीशन है कि जहाँ पर दो मिक्सचर्स हैं ऐसे जहां पर एक हैवी मिक्सचर है एक पार्टिकल हैवी है और दूसरे पार्टिकल्स लाइट हैं इस तरह के मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं उसका नाम है विनोइंग विनोइंग वर्ड बना है विंड से इसका मतलब अगर ऊंचाई से हम इसको नीचे को गिराएंगे तो क्या होगा तो जो हमारे जो सेप जो हमारे लीव्स जो पार्टिकल्स हैवी हैं वो क्या करेंगे हम यहाँ देख रहे हैं कि ऊंचाई से इसको गिराया जा रहा है तो ये नीचे गिर जाएंगे और जो हल्के हैं वो डायरेक्शन ऑफ द एयर तो इसको जब जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पर एक पीछे की ओर एक पंखा चला देंगे यहाँ पर क्या चलाएंगे एक फ़ैन चला देंगे ऐसे फ़ैन अब जो फार्मर्स होते हैं उनके पास होते हैं इलेक्ट्रिक फ़ैन भी होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होगी इतनी ज़्यादा स्पीड ना हो कि ये ग्रेन्स को भी अपने साथ उड़ा ले जाए तो इसकी स्पीड इतनी रखी जाती है कि जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं इसको क्या करते हैं ये उड़ा ले जाएँ और जो हमारे हैवी ग्रीन्स के पार्टिकल हैं वो क्या होंगे नीचे को गिर जाएंगे तो इस तरह से वी कैन सेपरेट हस्क एंड डस्ट फ्रॉम द ग्रीन्स तो ये दो मेथड हमने आज सेपरेशन की देखी बाकी मेथड हम कब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यानी कि कल देखेंगे